वेलकम बैक। और अब बात अयोध्या केस की। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज फिर चर्चा कर रही है। पीठ की 5 जज जो है आज अपनी अपनी अदालत में नहीं बैठे हैं, बल्कि ये चर्चा चेंबर में हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कल इस मामले में बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था, इसलिए आज चेंबर में हो रही चर्चा पर सबकी नजरें टिकी हैं। सूत्रों के मुताबिक मध्यस्थता पैनल ने एक समझौते का फॉर्मूला कोर्ट को सौंपा है। बताया जा रहा है कि कोर्ट इस फॉर्मूले पर चर्चा कर सकता है। इस फॉर्मूले पर सुन्नी वक्फ बोर्ड के अलावा कुछ हिंदू संगठनों के शामिल होने की बात की जा रही है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में जो ज्यादातर पक्षकार हैं वो इस समझौते में शामिल नहीं है, इसलिए कोर्ट के सामने एक बड़ी दुविधा है कि इस समझौते का क्या किया जाए। संविधान पीठ ने अयोध्या मामले में संबंधित पक्षों को मोल्डिंग ऑफ रिलीफ के मुद्दे पर लिखित दलील देने के लिए और दाखिल करने के लिए 3 दिन का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में अपना फैसला रिजर्व किया है, जजमेंट रिजर्व किया है। कोर्ट ने यह कहा है जो भी पार्टीज को अपने रिटर्न सबमिशन देने हैं वो 3 दिन के अंदर अपने रिटर्न सबमिशन दे सकते हैं मोल्डिंग ऑफ द रिलीफ पे। और कोर्ट ने सारी पार्टीज को हेयर करने के बाद आज इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है। और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर कर रहे हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है उससे पहले कभी भी फैसला डिलीवरी ऑफ जजमेंट हो। एहतशाम हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़ रहे हैं और अजीत सिंह अयोध्या से जुड़ रहे हैं, उनके साथ रामविलास वेदांती और परमहंस दास भी हैं महंत। अजीत आपकी ओर रुक करूं, उससे पहले बस जल्दी से एहतशाम से डिटेल जानना चाहूंगा, क्या हुआ है आज ये जो चेंबर्स में मीटिंग हुई है उसमें क्या इस पर कोई बात कोई धारणा ली है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट पर? देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो अयोध्या बेंच है जिसमें 5 जज हैं, इन सभी की एक मीटिंग चल रही है, मीटिंग कहें या आप कह सकते हैं कि कार्रवाई चल रही है अयोध्या बेंच की, जिसमें चर्चा की जा रही है कि जो रिपोर्ट आई है उनके पास मध्यस्थता पैनल से उसका क्या किया जाए, उसमें जो बिंदु रखे गए हैं और जिन लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किया है उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी है और उनका लोकस क्या है, इन सभी चीज़ों पर वो चर्चा कर रहे हैं कि ये जो प्रपोजल आया है उसमें हिंदू पक्ष से 2-3 लोगों का हस्ताक्षर है और मुस्लिम पक्ष से सिर्फ यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का हस्ताक्षर है, तो ये जो प्रपोजल आया है क्या उसको लागू किया जा सकता है, इंप्लीमेंट किया जा सकता है, इन सभी बातों पर सुप्रीम कोर्ट में अभी भी वो चर्चा जारी है। एहतशाम बहुत बहुत धन्यवाद अजीत सिंह। बताइए वहां पर रामविलास वेदांती, परमहंस दास और बाकी जो हैं वो क्या देखते हैं मध्यस्थता की ओर, उनका रुझान है कि वो अब सुप्रीम कोर्ट से सीधा फैसला चाहते हैं? बिल्कुल आनंद, हमारे साथ मौजूद है रामविलास वेदांती जो राम जन्मभूमि न्यास के हैं, जब ढांचा ढाएगा तो भी अगुआ थे। सुप्रीम कोर्ट में जो मध्यस्थता कमेटी की जो बात चल रही थी उस पर भी आज चर्चा हो रही है, तो आप लोग क्या चाहते हैं, सीधे फैसला हो या उस पर भी विचार किया जाए? अब किसी प्रकार के विचार की आवश्यकता नहीं है, मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं, मध्यस्थता केवल एक ही बात पर हो सकती है कि जहाँ रामलला विराजमान हो वहाँ भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण हो, इसके अलावा किसी प्रकार के कोई समझौते की बात नहीं हो सकती है। उनको मस्जिद बनाना हो तो लखनऊ में, दिल्ली में, कलकत्ता में कहीं भी मस्जिद बनाएं, लेकिन बाबर के नाम पर नहीं, आतंकवादी के नाम पर, लुटेरे के नाम पर, डकैत के नाम पर भारत के किसी कोने में मस्जिद का निर्माण नहीं होगा। मस्जिद बने तो कुरान के अनुसार खुदा के नाम पर, अल्लाह के नाम पर बने, हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अयोध्या की धरती पर किसी प्रकार की कोई नई मस्जिद का निर्माण नहीं होगा, इस आधार पर हम समझौता को स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर रामलला विराजमान हुआ भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण हो, यदि ऐसा समझौता चाहते हैं तो हम तो स्वीकार हैं, लेकिन किसी शर्त पर नहीं, हम किसी शर्त को स्वीकार नहीं करेंगे। हम रामलला का जहाँ पर मंदिर बना हुआ है वहीं पर भव्य रामलला का मंदिर बने, ये समझौता यदि होता है तो हमको कोई आपत्ति नहीं। आपने ये भी कहा था कि वहाँ जो गजेटियर है, जो कागजात हैं, जो वेद हैं पुराण, उसमें सिर्फ राम की बात है, बाबर की नहीं है। हाँ नहीं, ये बात तो सत्य है कि कहीं कुरान में बाबर का नाम नहीं, इस्लाम के इतिहास में भी कहीं बाबर का नाम नहीं है, लेकिन वेदों में राम का नाम है, वाल्मीकि रामायण में राम का नाम है, पुराणों में राम का नाम है, महाभारत में राम का नाम है, श्रीमद् भागवत में राम का नाम है, रामचरितमानस में राम का नाम है, अयोध्या के इतिहास में राम का नाम है, रघुवंश का नाम है, इक्ष्वाकु का नाम है, राजा आज का नाम है, दशरथ का नाम है, कहीं बाबर का नाम दिखा दे कुरान में तो हम छोड़ देंगे, मंदिर नहीं है। आप ये भी, आप तो पार्टी हैं और जब ढांचा ढहा तो भी आप उसके एक तरह से गवाही हैं, हाईकोर्ट में भी आपने कुछ अपना तरफ से कहा, ऐसा क्या था जो लगता है कि आपको पक्ष में फैसला आएगा? इसलिए कि जजों को पता है कि बाबर कभी अयोध्या नहीं आया, जजों को पता है कि बाबर के नाम पर कोई भी भूमि अयोध्या में नहीं है, बाबर के नाम पर न कोई गली है, न कोई मोहल्ला है, न कोई वार्ड है, न कोई घाट है, न कोई थाना है, न कोई चौकी है, न कोई गाँव है, राम के नाम पर सब कुछ है, राम कोट है, राम जन्म थाना है, राम जन्म चौकी है,
राम घाट है, दशरथ घाट है, कौशल्या घाट है, सुमित्रा घाट है, कैकेयी घाट है, राज घाट है, रणिमोचन घाट है, वासुदेव घाट है, ये सब राम के नाम पर है। बाबर के नाम पर एक भी कोई दिखा दे हमको, इतिहास में दिखा दे, पन्नों में दिखा दे, सब राम के नाम पर, इसलिए राम के नाम पर ही मंदिर बनना चाहिए, मेरा ये कहना है। अजीत जरा उनको बना के रखिए, मुझे बस मैं बस एक और बात सुनाना चाहूंगा, जहां परमहंस दास जी से आप बात कर रहे हैं उससे पहले एक और बात मैं सुनाना चाहूंगा दर्शकों को, कि देश के सबसे पुराने केस में हर पक्ष अपनी अपनी जीत के दावे की उम्मीद जता रहा है। बात बाबर की हुई है, लेकिन बाबर का वंशज होने का दावा करने वाले प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन ने कहा है कि अयोध्या में विवादास्पद जगह पर राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। सुनिए, वक्फ बोर्ड कभी ये साबित नहीं कर पाएगा कि वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, वक्फ बोर्ड भी यही साबित कर रहा है कि वो बाबर की ज़मीन है। तो बाबर के वंशज के हैसियत से, और क्योंकि बाबर हम मुग़ल सेकुलर रहा है, तो हम मुग़ल ख़ानदान के तमाम खान अखरबाद यही चाहते हैं कि हिंदुओं की आस्था के वहाँ पर मंदिर बने, और हमारा स्टैंड वही था कि हम सोने की ईंट रखेंगे। लेकिन ओवैसी के कोई फादर की ग्रैंड फादर की प्रॉपर्टी नहीं होती, जो ओवैसी बोल रहा है कि मैं नहीं दूंगा बोल के, तो ये सिर्फ एक मुसलमानों के अंदर आपस में प्रेम ख़राब करने के लिए आपस में। तो मैं मुसलमान से भी कहूँगा कि जब नमाज नहीं हो सकती, और हिंदू हमें पूरी उम्मीद है कि न्यायालय जो है इस आस्था को, उनकी हिंदुओं की आस्था को रखते हुए फैसला करेगा। अब ज़्यादा लोग मुस्लिम पक्ष से भी, अजीत मैं फिर आपकी ओर रुख कर रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि ज़मीन हिंदुओं की है, उन्हें दे दीजिए। कुछ मुस्लिम पक्षकार भी हैं जो ये कह रहे हैं कि ज़मीन हिंदुओं की, उन्हें दे दें। देखिए, ऐसा है कि ये अगर ऐसा अंत कहते अंत भला सो सब भला, अगर अंतिम समय तक भी अगर उनके अंदर सद्बुद्धि आ जाए, मैं क्या बताऊं, अयोध्या का आकर के आपसी भाईचारा यदि देखे होते लोग, यहाँ जो है 32 मस्जिदें हैं, कोई विवाद नहीं है, करगड़ा मस्जिद हम लोग बनवा करके दिए हैं, यहाँ किसी तरह से कोई वैमनस्य नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों दो चार, जैसे कश्मीर में दो चार छह अलगाववादी पूरे कश्मीर में नरक बना के रखे थे, उसी तरह से 10-5 लोग हैं जो आतंकवादी संगठनों से फंडिंग करके अब पूरे इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज राष्ट्रवादी मुसलमान जो है एक साथ जो है पूरे देश में चाहता है कि राम मंदिर बन जाए, और दिवाली मनाने को तैयार है। इसलिए जो है तो यहाँ अयोध्या में, अब जैसा कि पूज्य श्री वेदांती जी कह रहे हैं कि बाबर के नाम पर अयोध्या में कहीं कुछ भी नहीं है, यहाँ तो सारा सब कुछ, सारे साक्ष्य, कहते साक्ष्य, अरे कहते राम नहीं पैदा हुए थे, यहाँ राम जन्मभूमि थाना है, राम कचहरी है, राम कोर्ट, तब से जब भगवान राम का जिस समय जो है राम राज था, उस समय का आज भी मोहल्ले का नाम राम कोर्ट है। जी अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कह रहे हैं कि सब कुछ राम के नाम है, तो अब ये ज़मीन पे, इस ज़मीन पर क्यों इतना फसाद कर रहे हैं। लेकिन अब अमित शाह जी ने भी यही कहा है कि कोर्ट फैसला कर दे, एक बार फैसला हो जाए तो उसके बाद जो फैसला होगा उस पर अमल होगा। जाने से पहले अखाड़ा में एक बहुत दिलचस्प खबर आपको दिखाना चाहेंगे, तस्वीरें देखिए, न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव है। वो व्यक्ति देखिए दिल्ली के जू में शेर के ठीक सामने जाके बैठ गया है। दिल्ली में चिड़ियाघर में एक शख्स शेर के बाड़े में कूद गया। बताया जा रहा है कि ये शख्स मानसिक रूप से बीमार था, बाड़े में कूदने के बाद ये आदमी सीधे शेर के सामने जाकर बैठ गया। देखिए तस्वीरों में, देखिए हैरत की बात यह है कि शेर ने इस आदमी को कुछ नहीं किया। चिड़ियाघर प्रबंधन की 10 लोगों की टीम ने आदमी को सुरक्षित बाहर निकाला, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। पर देखिए इस व्यक्ति को, सीधा गया शेर की बाड़े में अंदर कूद कर, और बेखौफ होकर शेर के सामने जाकर बैठ गया। शेर भी चौंक गया होगा, ये है कौन बंदा जिसमें इतनी हिम्मत आ गई कि मेरे सामने नजरे से नजर मिलाकर ऐसे बैठकर देखे। बताया जा रहा है ये व्यक्ति जो है मानसिक रूप से त्रस्त था। आनंद तिवारी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आनंद बताइए। जी देखिए, एक बजे का पूरा वाक्या है आनंद, और ये जो शख्स है मानसिक तौर पर बीमार बताया जा रहा है। जो दिल्ली का चिड़ियाघर है, काफी पुराना चिड़ियाघर है, उसमें शेर के बाड़े के अंदर कूद जाता है और बिल्कुल शेर से दो चार होने की कोशिश करता है। गनीमत ये रही है कि जो तुरंत वहाँ पे जो निजी गार्ड थे जू प्रशासन के और जो चिड़ियाघर के तमाम जो दूसरे लोग थे, रेस्क्यू ऑपरेशन टीम, उन्होंने 10 लोगों की टीम ने शेर से मुकाबला करके इस शख्स की जान बचाई है, वरना आज एक बड़ा हादसा हो जाता। पहले जिस तरह से एक शख्स की शेर के पिंजड़े में जाने से मौत हुई है, आज बिल्कुल वो केस यहाँ पे दोहराया जाता। लेकिन गनीमत रही कि शेर ने इस शख्स का कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इस शख्स को ओखला पुलिस स्टेशन ले गई, जहाँ पर इससे पूछताछ की जा रही है। शेर का आनंद, अगर इन तस्वीरों को देखा जाए तो ये व्यक्ति है, इसके 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 इसमें चित्त में कहीं पर भी डर नहीं था। शेर और जब जानवर है वो डर को भांपता है, इसके मन में कहीं डर नहीं लग रहा है, वो बैठा है देखिए बेखौफ, और शेर जो है वो एक कदम पीछे लेता है। इन तस्वीरों में अगर आप देखें, ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति जो आप जिसे आप बता रहे हैं मानसिक रूप से बीमार था, शेर से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, आंखों में आंखें मिलाकर बेखौफ बैठा हुआ है वहां पर।
जी देखिए बिल्कुल, इसको तकलीफ क्या थी, कुछ पता है इसकी डिटेल्स हैं, इसको क्या तकलीफ थी, ये कैसे घुस गया बाड़े में? जी देखिए बिल्कुल आनंद, एक कश्मीरी हमें मिले हैं जिन्होंने ये वीडियो बनाया था, उन्होंने सीधे तौर पर पूरी घटना लाइव देखी। उनका कहना था कि शख्स बेखौफ होकर शेर के बाड़े के अंदर कूद जाता है, कुछ लोग इसे रोकने की कोशिश करते हैं कि बाहर निकल आओ, लेकिन ये धीरे धीरे शेर के करीब आता है और बिल्कुल शेर को चुनौती देता है। वीडियो में आप जिस तरह से जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं न्यूज 18 तो उसमें ये शेर को चुनौती देता नजर आ रहा है। उसके बाद तुरंत आनंद फानंद में जो निजी गार्ड होते हैं वो बाड़े के अंदर कूदते हैं और शख्स की जान बचाते हैं। जी इन तस्वीरों के साथ अखाड़ा को यहीं समाप्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद।